आमतौर पर दक्षिण भारत में मिलने वाला दुर्लभ कछुआ मंगलवार की रात नागपुर के हिंगना परिसर में दिखाई दिया। यह कछुआ नागपुर में पहली बार मिला है। इस प्रजाति के अन्य कछुए नागपुर के आसपास के जलाशयों में होने की संभावना जताई जा रही है। हिंगना परिसर के कॉलोनी में मंगलवार रात एक बड़ा कछुआ चलता दिखाई दिया। यहाँ रहने वाले गजानन ढाकुलकर ने हिंगना वन परिक्षेत्र अधिकारी आशीष निनावे को सूचित किया। उन्होंने कर्मचारी से घटनास्थल पहुंचकर कछुए को कब्जे में लिया और उसे वन विभाग के ट्रांसिट ट्रीटमेंट सेंटर में मेडिकल जांच के लिए ले आए। यहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सैयद बिलाल अली, डॉक्टर मयूर काटे, पर्यवेक्षक सिद्धांत मोरे ने जांच की। इस दौरान वन्य जीव सलाहकार मंडल के सदस्य कुंदन हाथी, वन परिक्षेत्र अधिकारी गंगाधर जाधव उपस्थित थे। कछुए का स्वास्थ्य बेहतर बताया गया है, उसे शीघ्र ही उसके प्राकृतिक अधिवास में छोड़ा जाएगा। इस कछुए का शास्त्रीय नाम लैटस सॉफ्ट सहेल टर्टल है, जो प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में पाया जाता है। इसका वजन 22 किलो 200 ग्राम, लंबाई 83 सेंटीमीटर और चौड़ाई 51 सेंटीमीटर है। शरीर का पूरा दायरा 165 सेंटीमीटर है। यह बड़ा कछुआ नागपुर में पहली बार मिला है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, PCN न्यूज नागपुर।